ब्लॉक केसरगंज में नगर पंचायत दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी आज भी योगीराज में मोहल्लेवासी गंदगी में जीने को मजबूर हैं। ब्लॉक केसरगंज भी नगर पंचायत दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मोहल्लेवासियों ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि सब्जी मंडी व आसपास के नालियों में भरा गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जहां एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। यही नहीं, ब्लॉक गेट के सामने रामलीला ग्राउंड के आसपास बने मकानों के मालिकों द्वारा गंदा पानी सीधा रामलीला ग्राउंड में निकला जा रहा है। वहीं के निवासी राम समुज उर्फ राम निवास ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि महादेव होटल वाले यानी कि शिव मिष्ठान भंडार के द्वारा मकान में रह रहे कारीगरों द्वारा गंदा पानी सीधा रामलीला ग्राउंड में निकाला जा रहा है। जबकि उन्होंने मीडिया कर्मी से यह बात भी बताया कि रामलीला ग्राउंड में धार्मिक कार्यक्रम जैसे बालाजी महाराज का कार्यक्रम, रामलीला का कार्यक्रम, वाल्मीकि का कार्यक्रम, इसी स्थान से सम्मानित लोगों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके बावजूद महादेव होटल एवं शिव मिष्ठान भंडार के कारीगरों द्वारा सीधा गंदा पानी रामलीला मैदान में निकाला जा रहा है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद इन व्यवसायियों पर कोई कार्यवाही होती है या योगीराज में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हाँ भाई साहब, अपना नाम बताओ। राम समूह। मतलब क्या समस्या है? महादेव होटल वाले मकान लेटरिन का पानी रामलीला ग्राउंड पर रास्ते में गिरता है। अच्छा। इससे आने जाने वाले वस्तुओं को निकलने में दिक्कत होती है। अच्छा। लेकिन पानी बदबू से भरा होता है। अच्छा। आदमी परेशान हो जाता है। यहाँ पे जो है वो हुआ है, कौन सा ये हो गया? इसमें ये चुनाव प्रचार सामग्री है, बेची जाती है रामलीला ग्राउंड में। नगर पंचायत भी हो गया है? जी हाँ, केसरगंज नगर पंचायत भी हो गया है। उसके बाद भी यहाँ कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता? अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, सब अपने संबंध किए बैठे हैं। प्रशासन की ढिला ढलवाई है, सब परेशान है।